राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रिज पर लगे स्टॉल्स को लेकर शिमला के स्थानीय दुकानदारों ने विरोध जताया है। लक्कड़ बाजार के दुकानदारों का कहना है कि विंटर कार्निवल होना चाहिए, लेकिन रिज पर कपड़े व अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल नहीं लगने चाहिए, इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही ये स्टॉल रिज की खूबसूरती भी बिगाड़ रहे हैं। रिज पर लोग यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अब स्टॉल व यहाँ की साजो सामान से रिज को ढक दिया गया है, जो कि सही नहीं है। लक्कड़ बाजार दुकानदार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने क्या कहा, सुनिए। ये रिज जो है सिंकिंग जोन है, फिर यहाँ पर व्यू नहीं दिख रहा। फिर दूसरा है कि टूरिस्ट जो है सिर्फ रिज पर ही रह गया है। लकड़ाजार साइड तो जाता ही नहीं, ना माल रोड में है, ना लकड़ाजार में है, ना लोअर बाजार में है। सारा टूरिस्ट जिसको रिज पर ही सामान मिल जाएगा, वो हमारे बाजारों में कहाँ आएगा है? ना ही हमारे बाजार में कोई टूरिस्ट आ रहा है। चार पाँच दिन से जब से ये कार्निवाल लगा है, कार्निवाल लगाओ पर ये जो स्टॉल लगे हुए ना, यहाँ से लेके चर्च से लेके तो स्कैंडल पॉइंट तक, ये बहुत गलत लगे। और दोनों तरफ से व्यू जो है शिमला का रुक चुका है, और कोई भी टूरिस्ट जो है लकड़ाजार, माल रोड, लोअर बाजार कहीं भी नहीं जा रहा। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि भी ये स्टॉल तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं, और ताकि जो लोकल दुकानदार है वो अपना गुजारा कर सके। कितना नुकसान सर आपको इससे हो रहा है? अब सर बात ऐसी है ना, डेली है ही नहीं, कुछ भी नहीं है काम हमारा। जो चीज़ रिज पर मिल रही है वो लकड़ाजार में क्यों लेने जाएगा दुकानदार? पहले हम इकट्ठे गए हैं, सारे जन सब इकट्ठे गए हैं। 22 तारीख को भी हम गए हैं, जून में भी गए हैं, और अपना MLA साहब से भी मिले हैं। MLA साहब ने भी यही हमारे को आश्वासन दिया था कि आगे जो है लोकल लोगों को दिया जाएगा, ये बाहर के लोगों को सेल के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एग्जीबिशन टाइप लगेगी।